बच्चों इससे पहले हमने के सी एल करा किशॉफ्स करेंट लॉ जंक्शन लॉ के सी एल फर्स्ट लॉ अब अगली लॉ है हमारी जिसके इर्द गिर्द काफी क्वेश्चन घूमेंगे इस चैप्टर के काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें इसी टॉपिक पे बेस करना होगा और वो है किर्शॉक्स सेकेंड लॉ के वी एल या फिर लूप रूल तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों किशॉफ्स सेकेंड लॉ किश सेकेंड लॉ केवीएल या फिर लूप रूल अब रूल क्या कहता है देखिए एक क्लोज लूप में वोल्टेजेस का एल्जे ब्रेक सम होता है तो रूल ये कहता है एल्जे ब्रेक सम ऑफ वोल्टेजेस एल जे ब्रेक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज जीरो ठीक है एल्जेब्रेक वोल्टेजेस इन क्लोज लूप इन अलोज लूप इज ठीक है एक क्लोज लूप में वोल्टेजेस का एल्जेब्रेक सम जीरो होता है तो ऑल अगर हम प्रिसाइसली लिखे तो हम लिखेंगे इन अ क्लोज लूप एक क्लोज लूप में एल्जेब्रेक सम ऑफ वोल्टेजेस जीरो होता है ठीक है अब ये लॉ किस कॉन्सेप्ट बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन आप ये भी बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है और आप ये भी बोल सकते हैं कि ये इस फैक्ट पे बेस्ड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर होती है वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो होता है तो आप ये भी बोल सकते हैं यहां पर बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलना गलत नहीं होगा तो ये जो लॉ है इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है या फिर आप यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि इस बात पे भी बेस्ड है बेस्ड ऑन दी फैक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट कौन सा फैक्ट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती है तो इसलिए हम थोड़ा और अच्छे से बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ठीक है बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर कंजर्वेटिव इन नेचर वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ एक क्लोज पाथ में जो वर्क डन होगा वो जीरो होता है ठीक है वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो तो ये आपकी किरसो वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट है अब हम देखेंगे कि जो किरसोस वोल्टेज लॉ के क्वेश्चन हैं, उनमें हमें कुछ कन्वेंशन लगानी होती है कब हमें वोल्टेज पॉजिटिव लेनी है कब हमें वोल्टेज नेगेटिव लेनी है तो ये कन्वेंशन सीखने के बाद कुछ केवीएल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्लीज नोट कर लीजिए बच्चों चलिए अब यहां देखते हैं कन्वेंशन यहां लिख देते हैं कन्वेंशन देखिए कन्वेंशन तो दुनिया में एक ही है वो ये है कि अगर हम एक लूप में ट्रैवर्स करते हैं एक लूप में पैदल चलते हैं या अपनी आँखों को ऐसे दौड़ाते हैं ट्रैवर्स करने का मतलब है और अगर हम कभी भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं तो हमें वोल्टेज को पॉजिटिव लेके चलना है और अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं तो हमें वोल्टेज को नेगेटिव लेके चलना है ठीक है ये सिंपल सी कन्वेंशन है हमारी अब देखिए ये कैसे एप्लीकेबल है बैटरी में कैसे एप्लीकेबल है तो देखिए अगर आप एक बैटरी को क्रॉस करते हैं और ऐसे क्रॉस करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तो आप बैटरी की ई को पॉजिटिव लेंगे और अगर आप एक बैटरी को क्रॉस करते हैं सेल को क्रॉस करते हैं और ऐसे क्रॉस करते हैं जिससे कि पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है और बाद में नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो आप सेल की ई को नेगेटिव लेके चलेंगे ठीक है अब सपोज़िटली एक कैपेसिटर आ जाता है आपके रास्ते में और जब आप एक कैपेसिटर को क्रॉस करते हैं ठीक है तो कैपेसिटर को क्रॉस करते वक्त आप अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आप नेगेटिव लेके चलेंगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगी माइनस क्यू बाई सी और अगर आप ऐसे क्रॉस करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो आप वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को पॉजिटिव लेके चलेंगे आपको पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज Q बाय C होती है चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय एनीवेज कैपेसिटेंस ठीक है अब एक रह गया रेजिस्टर ठीक है इंडक्टर में भी केवीएल लगता है बट वो हम ईएमआई में डील करेंगे ठीक है चलिए तो अभी रेजिस्टर ठीक है अब रेजिस्टर में मान लीजिए करेंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है ठीक है अब आप अगर अगर रेजिस्टर को क्रॉस करते हैं और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट करते हैं करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अब अगर आप रेजिस्टर को करंट की डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं इसका मतलब आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं और ऐसा करते वक्त रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आपको नेगेटिव लेके चलनी है फिर से अगर आप रेजिस्टर को क्रॉस करते हैं आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो आपको रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को पॉजिटिव लेके चलना है मतलब इफ़ यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करेंट अगेंस्ट दी डायरेक्शन ऑफ करेंट तो आई आर पॉजिटिव अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ करेंट आई आर नेगेटिव और बैटरी में जो डंडा बाद में आ रहा है उसका साइन लेना है ठीक है तो क्या कहानी है आ, बैटरी में बैटरी क्रॉस करते टाइम ठीक है बैटरी क्रॉस करते टाइम बाद वाले टर्मिनल का बाद वाले टर्मिनल का साइन लेना है ठीक है टर्मिनल का साइन लेना है परफेक्ट ये कैपेसिटर क्रॉस करते वक्त भी होगा ठीक है चलिए अगर आप बैटरी क्रॉस करते हैं तो दो टर्मिनल बाद में आ रहा है उसका साइन लेना है अगर ऐसे क्रॉस कर रहे हैं पॉजिटिव अगर आप आ, ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो नेगेटिव लेना जो बाद में आ रहा है टर्मिनल उसका साइन लेना है ईजी अब रेजिस्टर क्रॉस करते वक्त करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं करंट के अलोंग अगर मूव करते हैं तो आपको रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव लेनी है और करंट के अगेंस्ट आते वक्त प्लस आई आर करंट के अगेंस्ट आते वक्त वोल्टेज प्लस आई आर करंट के अलोंग मूव करते वक्त माइनस आई आर बाकी आप खुद समझता आ रहे चलिए आगे देखते हैं बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं किशॉक्स वोल्टेज लॉ पे ठीक है चलिए इसको उठा के रख देते हैं कहीं और कहां रखें रुकिए जगह बनाते हैं पहले चलिए कन्वेंशन हमने सारी एक साथ कर दी हैं ठीक है जी चलिए क्वेश्चंस करते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे एक केवीएल पे पहला क्वेश्चन ये है कि एक रेजिस्टर है एक बैटरी है एक और रेजिस्टर, एक बैटरी और फिर से एक रेजिस्टर, ठीक है चलिए मान लीजिए है बैटरी दस वोल्ट और ये हो गया वन ओम ठीक है ये भी वन ये चलिए टू ओम और मान लीजिए ये है सेवन ओम और ये बैटरी है आपकी पाँच वोल्ट ठीक है अब आपको बता रहे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं आप हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़ी बैटरी को ही इंपॉर्टेंस देंगे आपकी अपनी मर्जी है आप बड़ी बैटरी को इम्पॉर्टेंस देना चाहते हैं छोटी बैटरी को इम्पॉर्टेंस देना चाहते हैं ठीक है ठीके? तो मैं फिलहाल बड़ी बैटरी को इंपॉर्टेंस देता हूँ और मान लेता हूँ सर्किट में करेंट जो भी फ्लो कर रहा होगा वो बड़ी बैटरी की वजह से ही कर रहा होगा ठीक है चलिए बैटरी से जितना करंट जाता है उतना बैटरी में एनी वापस आता है तो एक सिंगल लूप है तो हर एक रेजिस्टर से करंट सेम हो गया अब मुझे इस लूप पे इस लूप पे एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और केवीएल के रहते हुए केवियल लगाते हुए मुझे एक पॉइंट से शुरू करके घूम करके उसी उसी पॉइंट पे वापस आना पड़ेगा ठीक है तो देखिए लूप है ए बी सी डी ठीक है अब अगर हम केवियल लगाते हैं केवियल इन लूप मैंने नाम लिख दिया ए बी सी डी ए तो यहाँ से मैंने सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि मैं जो हूँ अपनी नजरों को दौड़ाऊंगा या एक इमेजनरी पर्सन को या खुद मूव करूँगा ए से बी बी से सी सी से डी और फाइनली डी से ए तो अगर मैं ए से शुरू करके ए पे वापस आऊँगा तो क्लोज लूप हो गया और क्लोज लूप में वोल्टेजेस का एल्जब्रेक सामना शून्य होता है बच्चों ठीक है चलिए अब क्या करना है हमें यहाँ पर अगर हम यहाँ से आए तो कोई रजिस्टर नहीं है कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है सर्किट एलिमेंट क्या होता है रजिस्टर कैपेसिटर बैटरी कुछ भी नहीं है तो यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ यहां करंट के अलोंग जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया करंट के अलोंग में अगर आप रजिस्टर को क्रॉस करते हैं तो देखिए ना हम कन्वेंशन रीड नहीं करेंगे बैटरी और कैपेसिटर को क्रॉस करते हुए बाद वाले डंडे का साइन लेना है करंट के अलोंग वोल्टेज नेगेटिव लेनी है ठीक है तो अगर हम करंट के अलोंग मूव कर रहे हैं तो आई आर नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव यहां कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है बैटरी में जो डंडा बाद में आया उसका साइन माइनस पांच वोल्ट करंट के अलोंग आई आर नेगेटिव बैटरी में जो डंडा बाद में आया उसका साइन करंट के अलोंग आई आर नेगेटिव जहाँ से शुरू किया अगर वहीं पहुँच गए तो एल सम ऑफ वोल्टेज क्लोज लूप में ज़ीरो होता है अभी आया आपका दस माइनस पांच सेवन टू टू नाइन टेन टेन आए ठीक है बिल्कुल माइनस टेन आए प्लस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो यहाँ से आई आता है आपका जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर्स तो यहां से करंट की वैल्यू बच्चों पॉइंट फाइव एम्पियर्स आ गई ठीक है आसान सवाल था काफी आप समझ गए हैं केवीएल का बेसिक क्वेश्चन चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम चलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है एनसीआरटी एग्जाम्पलर है सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है नीट एग्जाम में भी आया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है तो लेट्स डू दैट क्वेश्चन तो सेल है ईएमएफ ई है सेल का नाम ए है लेकिन ई एम एफ ई है इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर ठीक है चलिए आर वन एक सेल की ई एम एफ ई फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू और सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर टू ठीक है और यहाँ मान लेते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर अब आपको बताना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कितना लिया जाए सो so दैट जो सेल ए है पहला सेल है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस शून्य हो जाए तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है आपको कैपिटल आर कैलकुलेट कैपिटल आर सो दैट सो दैट ओके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ए, अक्रॉस सेल ए बिकम्स जीरो ठीक है पहले सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो शून्य हो जाए एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब दो सेल तीन सेल चार सेल सर्किट में लगे होते हैं ना तो अगर एक ही लाइन में लगे हों एक ही सेगमेंट पे लगे हुए हों तो अगर एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से अटैच्ड है तो हमेशा उनकी ई एम एफ़ एड ऑन हो रही होती है मीन्स अगर उनके अनलाइक टर्मिनल साथ में जुड़े होते हैं एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ा होता है एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ा होता है तो उनकी ई ऐड होती है और अगर दोनों के पॉजिटिव या दोनों के नेगेटिव साथ में जुड़े होते हैं तो ई एम हो रही होती है ठीक है तो यहाँ पर अल्टीमेटली ई एम ऑन हो रही है हालांकि हम यहाँ लगाना चाहें तो केवल लगा सकते हैं एल्स अगर हम देखना चाहें ना बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही सेगमेंट है और करंट सेम आ रहा है तो एक तरीका ये भी होता है बच्चों कि हम सीधे ईएमएफ नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से भी करंट निकाल सकते हैं सर्किट में ठीक तो है तो उससे थोड़ी के की मेहनत बचती है तो करंट इन द सर्किट कितना है देखिए दोनों सेल ऐड हो रहे हैं सब ट्रैक्ट हो रहे हैं ये देखना है तो एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से अटैच्ड है तो अनलाइक टर्मिनल्स अगर सेल के अटैच होते हैं तो दोनों की ई एम ऑन होती है बच्चों ठीक है तो ये ई हो गई टू डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल रजिस्टेंस आर प्लस आर वन प्लस आर टू पहले सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है देखिए तो पहले सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो है एम एफ ऑफ दी सेल माइनस करेंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस अब आपको बोला गया है कि कैपिटल आर की क्या वैल्यू ली जाए जिससे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए ठीक है मैं कन्वेंशन स्रब कर रहा हूं कन्वेंशन आप फिर से याद रख लीजिए बैटरी और कैपेसिटर क्रॉस करते वक्त जो बाद वाला टर्मिनल आता है उसका साइन लेना है और रेजिस्टर क्रॉस करते वक्त करंट के अलोंग अगर क्रॉस करते हैं तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज एनी नेगेटिव लेनी होती है ठीक है चलिए तो ये हमें कन्वेंशन ज़्यादा जगह घेर रहे हैं तो इनको हटा देता हूँ अब ओके अब आपको बोला गया है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस शून्य आना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है ई माइनस आई आर वन ज़ीरो हो गया तो ई e हो गया यहाँ से आई आर वन है ना अब आपको पता है ई e तो ई e है ही आई कितना है टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर वन प्लस आर टू इन टू आर वन काटा पीटी करिए तो काटा पीटी करी तो ई e कट गया यहाँ आया वन तो आर जीरो नहीं आएगा बच्चों आर प्लस आर वन प्लस आर टू इज इकॉर्ड टू टू टाइम्स आर वन तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू आर वन माइनस आर टू आ गई सुपर पॉपुलर क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है ये ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है बच्चों प्लीज़ नोट कर लिए हाँ थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है अगर मैं यहाँ के वी एल लगाता बट मैंने चालाकी से के वी एल अवॉइड कर दिया तो काफ़ी बढ़िया रहा अगर हमने के वी एल अवॉइड कर दिया तो ठीक है प्लीज़ नोट करिए अच्छा ऐसा नहीं है कि हमेशा के एक क्लोज लूप में ही लगता है कि ये बात सच है कि किरचॉक्स वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट यही है कि क्लोज लूप में वोल्टेजेस का एल सम जीरो होगा बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जीवन में क्लोज लूप के ही आ, बार बार आप देखें तो कभी कभी लूप ओपन भी हो सकता है तो हम के ओपन लूप में भी लगा सकते हैं अब ओपन लूप में के कैसे लगता है वो देखते हैं तो लेट्स डू अ सिंपल क्वेश्चन तो अगर हमें केवीएल इन ओपन लूप लगाना है तो देखिए कैसे लगेगा मान लीजिए दो वोल्ट की बैटरी है रेजिस्टेंस वन ओम रेजिस्टेंस टू ओम एक वोल्ट की बैटरी चार वोल्ट की बैटरी रेजिस्टेंस थ्री ओम ठीक है मान लीजिए सर्किट में आपको कुछ करंट गिवन है कि मान लीजिए यहाँ से दो एमपीयर करंट आ रहा है ठीक है और आ, मान लीजिए यहाँ से वन एम्पियर करंट आ रहा है परफेक्ट है वन एम्पियर अब आपको दो पॉइंट मांग के हुए सर्किट में एक ये पॉइंट ये रेजिस्टेंसिस गिवन नहीं है और इंटेंशनली गिवन नहीं है मान लीजिए ठीक है मैंने खुद ही नहीं दिए ना गिवन है ना पूछे हैं चलिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ठीक है बच्चों अब आपसे बोल रहे हैं कि अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो वोल्ट है तो मुझे बताइए कि B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा ठीक है अगर A पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो वोल्ट है तो B पॉइंट पे पोटेंशियल आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सुनिए सबसे पहले आपको करंट ध्यान देना पड़ेगा कितना है ये दो एम्पियर करंट आ रहा है इस सेगमेंट में दो एम्पियर दो एम्पियर दो एम्पियर दो एम्पियर और दो एम्पियर में से अगर एक एम्पियर इधर गया तो एनी वेज एक एम्पियर इधर जाएगा तो इस ब्रांच में फिर एक एम्पियर का करंट है तो केवीएल इन ओपन लूप बड़ा शानदार तरीका होता है आप किसी एक पॉइंट से भी शुरू करके सर्किट में आप किसी दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं एक पॉइंट से शुरू करके किसी भी दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं जरूरी नहीं है कि लूप क्लोजली आ जाए अब देखिए कैसे लगेगा आप ए पॉइंट से शुरू करिए ठीक है तो यहां तो कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है अब बैटरी क्रॉस करते वक्त बैटरी के बाद वाले डंडे का साइन आएगा करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आई आर पॉजिटिव आएगा करंट के अलोंग जा रहे हैं तो आई आर नेगेटिव आएगा बैटरी क्रॉस करते वक्त बाद वाले डंडे का साइन आएगा बैटरी क्रॉस करते वक्त बाद वाले डंडे का साइन आएगा अगर आप करंट के अलोंग जा रहे हैं तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव आएगी इज इक्वल टू आप कहाँ पहुंच गए बी पॉइंट पे पहुंच गए सिंपल ए पॉइंट से शुरू किया बैटरी क्रॉस करी बाद वाले डंडे का साइन लिया करंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव लिया करंट के अलोंग गए करंट के अगेंस्ट आई आर पॉजिटिव लिया ठीक तो करंट के अलोंग आई आर नेगेटिव लिया बैटरी क्रॉस करते वक्त बाद वाले डंडे का साइन ले गए बैटरी क्रॉस करते वक्त बाद वाले डंडे का साइन ले गए करंट के अलॉन्ग जाते वक्त रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज नेगेटिव तो वी ए तो आपको क्वेश्चन में जीरो वोल्ट गिवन ही है तो इसे जीरो वोल्ट ले लीजिए तो ये राइट यही वाली साइड जो भी सॉल्व करके आ रही है वो वैल्यू वी बी की है बच्चों तो उम्मीद है आपको समझ आया कि हम के वी एल एक ओपन लूप में भी लगा सकते हैं तो ओपन लूप में के वी एल कैसे लगता है ये आपने देखा ठीक है बच्चों प्लीज़ नोट करिए ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और देखते हैं सपोज़िटली हमारे पास एक क्वेश्चन है ऐसा कि एक सर्किट का कुछ पार्ट गिवन है और ये ए पॉइंट है ये वन ओम रेजिस्टर है दो वोल्ट की बैटरी ये दो ओम रेजिस्टर है और ये बी पॉइंट है ठीक है और मान लीजिए आपको गिवन है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो वन एम्पियर है अब आपसे बोला जाए कि जरा बता दीजिए आपको क्या लग रहा है कि वी ए माइनस वी बी कितना होगा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ठीक है वी ए माइनस वी बी आपसे पूछा जा रहा है तो लेट सी वी ए माइनस वी बी कैसे निकलेगा ए पॉइंट से शुरू करिए और बी तक जाइए करंट के अलोंग जा रहे हैं तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर नेगेटिव बैटरी क्रॉस करते वक्त बैटरी के बाद वाले डंडे का साइन लेना है फिर करंट वन एम्पियर ही आ रहा है तो so, करंट के अलोंग जा रहे हैं तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर नेगेटिव ठीक है इक्वल टू जहाँ पहुँच गए उस पॉइंट का पोटेंशियल है ना तो आपको देखिए गया क्या करना है है ना तो ये माइनस दो और प्लस दो कैंसिल हो गया और यहाँ पर ए और बी पॉइंट्स दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वन वोल्ट बच्चों ठीक है तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट आ रहा है तो काफ़ी आसान सवाल है ठीक है प्लीज़ नोट करिए ये प्योर एमसीक्यू क्यू क्वेश्चन है बच्चों है ना काफी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं एमसीक्यू क्यू क्वेश्चन प्लीज नोट कर लीजिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांच देख लीजिए कभी कभी क्या होता है कहीं बीच में जबरदस्ती की अर्थिंग कर रखी होती है ठीक है कि जबरदस्ती इस पॉइंट को अर्थ कर रखा है जी बदतमीजी मतलब ठीक है चलिए ये पॉइंट सी मान लीजिए अब ये पॉइंट ए मान लीजिए और रेजिस्टेंस दो ओम मान लीजिए रेजिस्टेंस वन ओम मान लीजिए बैटरी चार वोल्ट मान लीजिए है ना और यहाँ करंट मान लीजिए कि वन एमपीयर फ्लो कर रहा है अब आपको यहाँ पर ना आई एम सॉरी अब आपको यहाँ बोला गया है कि ऑब्वियसली अगर बी पॉइंट पर आपने अर्दिंग कर रखी है ना तो बी पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है अर्दिंग से पोटेंशियल जीरो वोल्ट हो जाता है तो कह रहे हैं अगर बी पे तो आपको पता ही है पोटेंशियल कितना है वो तो हमें पता ही है कितना है जीरो है तो ए पे और सी पे पोटेंशियल की वैल्यूज़ क्या होंगी आपको क्या लग रहा है कि ए पॉइंट और सी पॉइंट पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पोटेंशियल क्या होने वाला है तो काफी आसान सवाल है स्टार्ट क्वेश्चन चलिए तो एक बार ए पे निकालने के लिए ए से बी जाएंगे फिर बी पे निकालने के लिए बी से सी जाएंगे पूरे के पूरे ब्रांच में ना जो करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए वो वन एम्पियर है पूरी की पूरी ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो, वो वन एम्पियर है हाँ ठीक है तो चलिए ए के लिए खेलते हैं पहले तो हमने ए से स्टार्ट किया करंट के अलोंग गए तो आपको पता है कि करंट के अलॉन्ग जाते वक्त रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है तो आपको माइनस आई आर लेना है बैटरी क्रॉस करते वक्त बैटरी का बाद वाले डंडे का साइन लेना है इक्वल्स टू वी बी और वी बी आपका जीरो है ठीक है ए से बी गए तो ए से लेकर के बी तक में केवीएल लगाया तो बहुत ही सिंपल वी ए यहां से माइनस टू वोल्ट आ गया सही है क्या हाँ ठीक है इस सर्किट के हिसाब से ठीक है चलिए अब देखिए क्या है अब अगर वी बी से स्टार्ट करा करंट के अलोंग गए माइनस आई आर इज इक्वल टू तो जहां पहुंच गए वी सी अब वी बी तो जीरो है तो माइनस वन तो यहां से वी सी जो है आपका माइनस वन वोल्ट आ रहा है ठीक है बच्चों तो वी सी आपका यहां से माइनस वन वोल्ट आ रहा है चेक करते हैं एक बार परफेक्ट है बच्चों ठीक है राइट right. आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं प्लीज नोट कर लीजिए चलिए अब देखते हैं कुछ केवीएल के क्वेश्चंस और जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है ठीक है तो बड़े इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस एक बार देखते हैं कि कैसे किए जा सकते हैं तो मान लीजिए एक दस वोल्ट की बैटरी है इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम आ, रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेंगे एक ऐसा क्वेश्चन केवीएल का जिसमें रजिस्टर प्लस कैपेसिटर दोनों होंगे साथ में ठीक है ये आपको रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं वन ओम के चारों ठीक है फिर आपसे बोला गया है कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है और आपको बोला कि हमने जो बी पॉइंट है ना बीच में उसे जबरदस्ती अर्थिंग कर रखी है जबरदस्ती अर्थिंग कर रखी है तो आपको क्या लगता है कि ए पॉइंट और सी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होंगी ए और सी पे पोटेंशियल क्या होगा तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है आप ऐसे क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका होता है सुनिए देखिए अगर हम प्रॉपर करें कन्वेंशनली तो देखिए क्या होगा आप इस अभी फिलहाल अर्थिंग को भूल जाइए और सर्किट में फ्लो करने वाला करंट निकालिए और करंट कैसे निकलेगा आप जानते हैं करंट होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी ढाई एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ठीक है तो ये सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ढाई एम्पियर है टू पॉइंट फाइव एम्पियर है अब यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट करिए आप और केवीएल लगाइए ए पॉइंट से स्टार्ट करा करंट के अलोंग जाते वक्त माइनस आई आर टू पॉइंट फाइव इंटू वन करंट के अलोंग जाते वक्त माइनस आई आर इक्वल्स टू जहाँ पहुँच गए वहाँ की वोल्टेज तो वी ए माइनस फाइव आप जानते हैं कि वी बी तो जीरो है क्योंकि अर्थिंग कर रखी है तो ए पॉइंट पर आपकी प्लस फाइव वोल्ट आ गई है बच्चों ठीक है ऐसे ही अगर आपको सी पॉइंट पर निकालना है तो सी पॉइंट पर क्या होगा देखिए लेट सी वी बी से स्टार्ट करिए करंट के अलोंग जा रहे हैं माइनस आई आर लेना होता है करंट के अलोंग जा रहे हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव लेनी होती है इज इक्वल टू जहाँ पहुँच गए वहाँ की वोल्टेज वी बी ज़ीरो है तो आपको पता लग गया कि सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो माइनस फाइव वोल्ट है ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं और एक तरीका और भी है जिसमें आपको कोई केवीएल एवीएल की ज़रूरत नहीं है आप बस सोच सकते हैं क्वेश्चन कैसे होगा तो लेट सी कैसे होगा एक बार प्लीज़ नोट कर लीजिए बच्चों अब देखिए दस वोल्ट की बैटरी चारों रजिस्टर बराबर तो हर एक रजिस्टर को ढाई वोल्ट की वोल्टेज मिल रही है अब ढाई वोल्ट में अब दस वोल्ट टोटल है ढाई 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 और ढाई वोल्ट है अब बीच में जीरो आ रहा है तो बीच में जीरो करना है और टोटल डिफरेंस दस करना है तो यानी ये पांच वोल्ट माइनस होगा और ये पांच वोल्ट प्लस होगा अब बीच में जीरो लाना है और टोटल डिफरेंस दस रखना है तो यही हो सकता है कि प्लस पांच और माइनस पांच हो ठीक है ना तो डिफरेंस दस आ गया और और बीच में जीरो आ गया अब सपोजिटली अगर क्वेश्चन ये होता तो क्या आंसर होता देखिए इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में दस वोल्ट की बैटरी है है ना और आपको इसी क्वेश्चन में ये एक ओम है ये भी एक ओम है ये भी एक ओम है और ये भी एक ओम है है ना हमने बी पॉइंट पे अर्थिंग कर रखी है हमने बी पॉइंट पे कर रखी है अर्दिंग ये बी पॉइंट है अब अब आपसे पूछ रहे हैं इन कोने वाले पॉइंट्स ए और सी का पोटेंशियल आपको क्या लग रहा है क्या होगा एक और सी का पोटेंशियल क्या लग रहा है आपको क्या होगा तो भाई कुछ नहीं है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस ये दस वोल्ट की ही बैटरी है तो अगर आपने दस वोल्ट की बैटरी लगाई है चार इक्वल रजिस्टर्स हैं तो सर्किट में करेंट ढाई एम्पेयर है और हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ढाई वोल्ट है ठीक है अब ढाई वोल्ट में इधर जीरो करना है आपको टोटल डिफरेंस दस तो ये अब करंट फ्लो करता है तो यहां पर क्या होगा आ, हाँ ठीक है तो देखिए यहां पर क्या होगा अगर हम यहां देखना चाहें तो इन ऑल इन ऑल कहानी ये है कि हर एक के अक्रॉस ढाई वोल्ट है ढाई वोल्ट ढाई वोल्ट ढाई वोल्ट और ढाई वोल्ट है ना हर एक के क्रॉस 2.5 पॉइंट वोल्ट है परफेक्ट है बच्चों अब सिनारियो ये है कि अगर ये बीच में जीरो वोल्ट हो रहा है तो ये मैंने शायद गलत मार्क किया है बच्चों है ना यहां प्लस फाइव आएगा है ना और यहां माइनस फाइव आएगा राइट ठीक है करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ना तो वी ए वी ए माइनस ढाई माइनस ढाई इक्वल्स टू जीरो ना तो वी ए हमारा प्लस फाइव आया था बच्चों राइट

माइनस टू पॉइंट फाइव माइनस फाइव माइनस सेवन पॉइंट फाइव ठीक है बच्चों तो वहां की मार्किंग थोड़ी गलत हो गई थी राइट इधर प्लस फाइव होना चाहिए उधर क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा ओके प्लीज नोट कर लीजिए चलिए अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें रजिस्टर के साथ साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैपेसिटर भी होगा ठीक है तो रजिस्टर प्लस कैपेसिटर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसे में देखते हैं क्या होगा हाँ क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है हमारे पास एक मान लीजिए दो ओम का रेजिस्टर है एक ये तीन ओम का रेजिस्टर है एक वन तो माइक्रो फैरड कैपेसिटर है और ओम का रेजिस्टर है नीचे बैटरी है टू पॉइंट एट ओम का रेजिस्टर है और बैटरी मान लीजिए चार वोल्ट की है ठीक है अब आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में है कैलकुलेट करेंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी ड्यूरिंग स्टडी स्टेट अब यह स्टडी स्टेट का क्या तमाशा है क्वेश्चन है कैलकुलेट करिए आई कैलकुलेट करिए करंट आई ड्यूरिंग स्टडी स्टेट ड्यूरिंग स्टडी स्टेट तो आपको स्टडी स्टेट में करंट की वैल्यू बतानी है ठीक है कैलकुलेट करिए आई ड्यूरिंग स्टडी स्टेट तो स्टडी स्टेट में करंट कैसे निकलेगा स्टडी स्टेट का मतलब क्या है स्टेडी स्टेट का सिंपल मतलब है व्हेन कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज तो याद रखिए जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है ना तो एक आइडियल कैपेसिटर इनफाइनाइट ऑपोजिशन देने लगता है तो वेन क्वेश्चन में इट इज मैंशन दैट कैलकुलेट करेंट ड्यूरिंग दी स्टेडी स्टेट तो स्टेडी स्टेट हेयर मीन्स दैट कैपेसिटर इज नाउ फुल्ली चार्ज व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज देन कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट ऑपोजिशन एंड इन दैट केस नो करंट फ्लो थ्रू दी ब्रांच कंटेनिंग दी कैपेसिटर ठीक है अगर स्टेडी स्टेट बोलेंगे तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटर की ब्रांच को ऐसे तोड़ देना होता है स्टेडी स्टेट मतलब कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट नहीं फ्लो करने वाला है ना बच्चों ठीक है चलिए तो अब क्या करेंगे हम ये दो ओम और तीन ओम पैरल में है तो पैरल में दो रेजिस्टेंस के लिए होता है टू तो इन टू थ्री पॉइंट टू प्लस थ्री ठीक है ये सॉल्व करके आया वन पॉइंट टू ओम अब कैपेसिटर वाली ब्रांच इम मेटीरियल है क्योंकि कैपेसिटर वाली ब्रांच में कितना भी रेजिस्टेंस लगा हो जब कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है ठीक है और ये कितना हो गया हमारा ये हो गया चार वोल्ट की बैटरी टू पॉइंट एट ओम ठीक है अब क्या है देखिए करंट फ्लोइंग इन द सर्किट निकालिए तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट क्या है देखिए करंट फ्लोइंग इन द सर्किट है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हिच इज 2.8 पॉइंट एट प्लस वन पॉइंट इज अगेन 4 ओम तो जो ब्रांच बैटरी में करंट बैटरी से निकला है वो 1 एंपियर है बच्चों ठीक है तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है जिसमें एक कैपेसिटर भी होता है रेजिस्टर्स के साथ में और पूछा जाता है करंट ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट निकालिए तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट मत भेजिएगा और सिंपल सर्किट सॉल्व कर दीजिएगा एक और ऐसा ही क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं चलिए नोट कर लीजिए छे वोल्ट की बैटरी मान लीजिए ये दो ओम मान लीजिए दो ओम मान लीजिए दो ओम मान लीजिए दो ओम और कैपेसिटेंस वन माइक्रोफेरेट आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कैलकुलेट करेंट कैलकुलेट करेंट आई ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट स्टेडी स्टेट में करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी कितना होगा ठीक है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बता दीजिए स्टेडी स्टेट में तो ऐसे केस में क्या करना है आपको फिर से पता है कि नो करंट फ्लो थ्रू दी ब्रांच कंटेनिंग दी कैपेसिटर ठीक है कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ठीक है तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो कैपेसिटर वाली ब्रांच को आप ओपन सर्किट कर दीजिए स्टडी स्टेट का मतलब है कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज और फुल्ली चार्ज होने के बाद इन्फाइट ऑपोजिशन देगा और इनफाइनाइट ऑपोजिशन का मतलब है देन नो करंट विल फ्लो थ्रू दी ब्रांच कंटेनिंग दी कैपेसिटर ठीक है चलिए तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर आ, आई करंट आ गया ठीक है अब ये करंट कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा और उसके बाद ना ये इधर जाएगा राइट इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा इन ऑल मैं चाहूँ तो अब इस ब्रांच को पूरा ही इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब ये इम है ब्रांच इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा परफेक्ट है बच्चों अब दो ओम और दो ओम देखिए दो ओम और दो ओम पैरेलल में वन ओम हो जाता है और फिर ये साथ में टू ओम सीरीज में है ये आपकी छः वोल्ट की बैटरी हो गई ठीक है अब अगर आपको करंट फ्लोइंग निकालना है तो जो करंट है वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि करंट सॉल्व करके यहाँ से आपका दो एम्पियर आ रहा है ठीक है तो यहाँ से करंट की वैल्यू बच्चों डेफिनेटली दो एम्पियर आ रही है ओके चलिए चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं क्विकली क्रिच ऑफ लॉस पे चलिए तो सर्किट एनालिसिस पे हमारे कुछ क्वेश्चन हैं हमें क्या बोला जा रहा है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए मान लेते हैं कि 10 वोल्ट की बैटरी है तो देखिए क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका होता है अगर आपको एक ऐसी बैटरी दिखाई दे जिसके अगल बगल में कोई रेजिस्टर ना लगा हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप बड़ा सिंपली बिना किच ऑफ लॉ के कर सकते हैं कैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो वोल्ट है अब 10 वोल्ट की बैटरी क्या करती है 10 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तो यहां पर 10 वोल्ट हो गया पोटेंशियल अब करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से एनी लोअर पोटेंशियल अब इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा करंट फ्लो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस टेन माइनस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस पाँच प्लस पाँच प्लस पाँच पंद्रह यहाँ से करंट आ गया टू बाई थ्री एम्पियर है ना अब अगर आपको बोला जाए ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस पांच ओम और पांच ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है उसके बराबर होगा यानी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस करेंट इंटू ये वाला रेजिस्टेंस दस ओम है तो आंसर आ चुका है बच्चों हमारा बीस बाई वोल्ट आसान सवाल अगला सवाल कह रहे हैं कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ एम मीटर एम मीटर की रीडिंग बता दीजिए तो कोई बात नहीं टेक्निकली ये बोला जा रहा है कि करंट इस इसको हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस को वन ओम ठीक है कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी टेक्निकली ये बोला जा रहा है तो ठीक है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी देख लेते हैं सुनिए uh, दो ओम दो ओम और दो ओम ठीक है इसको वन बाय थ्री ले लेते हैं ऐसे कैल्कुलेशन को ईजी करने के लिए मैं तो आपको जस्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तो दो ओम दो ओम और ये दो ओम तीनों पैरल में हो गए तो नेट रेजिस्टेंस तीन इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हो तो आर बाई थ्री होता है यानी टू बाई थ्री ओम इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो गया तो ये टू बाई थ्री हो गया है ना और ये वन बाई थ्री है एक बैटरी है ओके एम मीटर हमने लगा ही रखा है तो आप समझ चुके हैं क्या हो रहा है करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट जो है वो है दो वोल्ट की बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस वन बाय थ्री प्लस टू बाई थ्री जो कि आ रहा है वन एम सॉरी वन ओम तो करंट आ गया यहां से दो एम्पियर ठीक है बच्चों तो आसान सवाल था काफी कोई खास केवीएल का यूज नहीं हुआ कहीं भी आगे देखते हैं 0.5 करंट फ्लो कर रहा है ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सिंपल है आपको यह तो पता ही है कि ए मस्ट बी एट हायर पोटेंशियल एंड बी मस्ट बी एट लोअर पोटेंशियल ठीक है तो आप बस नेट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए यह 0.5 फाइव एमपियर का करंट फ्लो कर रहा है छः ओम छः ओम और छः ओम पैरेलल में दो ओम हो जाते हैं और छः और छः सीरीज में बारह और बारह के साथ छः पैरेलल में तो ये हो जाता है बारह इंटू छ अपॉन बारह प्लस छः यानी ये हो जाता है आपका चार ओम हाँ तो ये आपका आ गया चार ओम ठीक है तो अब देखिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है करंट इंटू रेजिस्टेंस वन वोल्ट और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है दो वोल्ट तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में तीन वोल्ट है तो आप देख रहे हैं बच्चों कितने इजी मासूम से सवाल हैं ठीक है चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से अब देखिए क्या है यहां पर अगर आपको यहां पर हम ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं कि इसका मैंने आपको क्वेश्चन कराया था के में कि अगर आपको यहां पर पोटेंशियल वी वन वी टू और वी थ्री गिवन है और आपको ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो ओ पॉइंट पे पोटेंशियल होगा V1 वन बाय आर 2 by 2 plus